हाय, मैं हूं रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। क्या आप जानते हैं बपतिस्मा यहूदियों का प्रचलन है? क्या आपको ये सच्चाई मालूम है कि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं था, वो तो यहुन्ना भविष्य दक्ता था। उसने यहूदियों को कहा कि मन फिराएं और इसे जाहिर करने के लिए तुम पानी में डुबकी लगाओ। किसी ने उसे ये सवाल नहीं किया, ये कोई यहूदी प्रथा नहीं है, क्योंकि अभी मैं ठीक वहीं खड़ा हूँ इस जगह पर जो ठीक यहूदी मंदिर के बाहर है, और मेरे चारों तरफ है मिगवो यानी डुबकी देने का स्थान। जब भी कोई यहूदी पुरुष किसी तरह का बलिदान देने को आता था तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन्हें पानी में डूबना होता था। प्रेरितों के काम में ऐसा ही वर्णन है। वो विचित्र कहानी जिसमें शिमोन पत्रस और अन्य प्रेरित सब उठ खड़े होते हैं और बिल्कुल पहली बार प्रचार करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ सब लोगों पर छा जाती है, पूरा शहर बेदार हो जाता है पेंतिकुस्त के पर्व के दौरान। और वो पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, अब हम क्या करें? उन्होंने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अब सुनिए, हम यहाँ पहाड़ों के ऊपर हैं, यहाँ कोई नदी नहीं है, तो तुम लोगों को पानी में कैसे डुबाओगे? तो ठीक वहाँ पर गिहोन नाम का सोता है, और इस गिहोन का पानी सीने पर्वत से आता है और अपने साथ लाता है ढेरों ढेर ताजा पानी। वो पानी यहाँ लाया जाता है और इन दर्जनों कुंड में भर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें, ये बहुत बढ़िया है। अब ये पूरा क्षेत्र ठीक अभी यहाँ पर 3000 आदमी और औरतें और बच्चे यानी 10 से 12000 लोग पानी में डुबकी ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, निकल रहे हैं। सच में इस शहर में बेदारी आ गई थी। अब इसमें दिलचस्प क्या था कि किसी ने उस दिन उनके लिए पाप क्षमा की प्रार्थना नहीं की। अब मैं ऐसी प्रार्थनाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी ये प्रार्थना की थी, मेरे कई दोस्त ऐसा कर चुके हैं, परंतु इस नई वाचा के अनुसार आप इस तरह से जाहिर करते हैं कि आप मसीह के अनुयायी बनना चाहते हो और इसके लिए तुरंत आप यहाँ पानी में डुबकी लगाते हो। प्रेरितों की काम की किताब में यही हुआ था। हमने कभी नहीं देखा कि प्रेरितों ने कहा कि मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराओ। आपको वो फिलिप्पुस याद होगा, और कुछ देश का खोजा भी। वो खोजा इस बात का कायल हो जाता है कि यीशु ही मसीह है। वो कहता है, देख यहाँ जल है, अब मुझे क्या रोक सकता है? क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि जब आप पानी में जाओगे तो आप खुद के लिए मर जाओगे, और जब आप पानी से बाहर निकलोगे तो आप उद्धार का अनुभव करोगे, आप एक नई सृष्टि हो जाओगे। अब मैं इसे नाटकीय नहीं कहना चाहूंगा, अगर हम 3 या 6 महीने में या 1 साल में इसे दोहराते हैं अपने उद्धार के अनुभव को पाने के बाद, तो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? एक बड़ा उदाहरण। यहूदी अपने पाप से प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो पूछते हैं हम क्या करें। अब उद्धार पाने के उद्देश्य से वो बपतिस्मा नहीं लेते, परंतु वो इस भाव से पानी में डुबकी लेते हैं कि अब हम स्वयं के लिए मर चुके हैं और अब हम मसीह में एक नया जीवन जिएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आप god.tv पर जरूर जाएं ताकि आप इसकी एक भी कड़ी से चूक ना जाएं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ronkenter.com पर। शालोम, पुराने यरूशलम से ठीक मंदिर के सामने से यरूशलम में। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @ronscantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए god.tv/zion पर जाएं।